भागलपुर नगोछिया रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी गांव के ही धनंजय यादव और मिथुन यादव उर्फ मिथिलेश कुमार उर्फ मिथिला यादव को बुधवार को दोपहर 2 बजे कटरिया रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहाँ से उसे नगोछिया उपकारा भेजा गया। मालूम हो कि घटना में दोनों की संलिप्तता मुख्य भूमिका में होने की बात मृतक के परिजनों ने कही थी। आरोप था कि पंचायती के दौरान पूर्व फौजी को धनंजय यादव ने ही गोली मारी थी और उसके बाद जब पूर्व फौजी के परिजन धनंजय को पकड़ना चाह रहे थे तो मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश यादव उर्फ मिथिला यादव ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद सभी अपराधी मौके से भाग गए थे। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव की हत्या 8 अप्रैल को भवानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उसके अर्धनिर्मित ढाबे पर अपराधियों ने कर दी थी। घटना का कारण अजय यादव और धनंजय यादव के बीच 10 कट्ठा जमीन का विवाद बताया गया था। पुलिस स्तर से जानकारी दी गई है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कटरिया स्टेशन पर धनंजय और मिथिलेश यादव गुपचुप तरीके से चहलकदमी कर रहा है। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देशन में तुरंत नगोछिया SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नगोछिया के SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान मुख्य भूमिका में थे और छापेमारी अभियान में अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। पुलिस ने सीधे रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते का प्रयोग कर पहले आरोपियों को दोनों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने दोनों तरफ से तबियत भी तो अपराधियों के पास गिरफ्तार होने के सिवा कोई दूसरा चारा ना था और दोनों आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड में उसके छोटे भाई विजय यादव के लिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभी भी इस हत्याकांड में गोपी सरदार उर्फ गोपाल यादव, वशिष्ठ यादव और बुगी यादव फरार चल रहा है। BRP न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। इनका तो कहना है कि आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था, मारपीट हो रहा था, उसी में गोली चल गई और गोली लग गया और जान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलाई। वो जमीन जो बताया जा रहा है जमीन विवाद में, कितना जमीन किसका जमीन है ये सब कुछ है? ये जमीन जो अजय यादव का है, इनके तरफ से कहना है जिनकी मृत्यु हो गई है कि 1.5 बीघा जमीन इन्होंने खरीदा है, और ये जो धनंजय यादव हैं जिनके पिताजी गोपी सरदार और गोपी यादव हैं, इनका 4-5 बीघा जमीन खरीदा हुआ है। तो इन दोनों को आपस में झगड़ा थी, इस बात की जानकारी पुलिस को कभी नहीं हुई। और एक 144 उस पर चल रहा है, जिसमें एक अलका झा है, और अलका झा के तरफ से एक आवेदन दिया गया था जिसमें इन दोनों पक्षों को पार्टी बनाया गया है, उस पर 144 की कार्रवाई चल रही थी। तो 144 लागू होने से पहले उनका निर्माण कार्य हो रखा था, पहले से छोटे मोटे रूम्स वगैरह बनाए हुए थे, उसी में शायद कुछ ईटा उटा बिछा रहे थे, तो उसी बात को लेकर के दोनों में आपस में कुछ बातचीत हुई। कारण है वही जमीन विवाद ही है। हाँ, मान सकते हैं जमीन को लेकर के ही कितने जमीन हुआ है की बात आ रही है सर। जमीन अगर दोनों के ज्वाइंट जमीन को देख लिया जाए तो विवाद शायद 10 कट्ठे पर, जिसमें दोनों पक्ष का दावा है कि मेरा है, उनका कहना है मेरा है। हालांकि ये मामला कभी पुलिस के पास में आया नहीं। अब ये जमीन आखिर किनसे लिया गया, कब लिया गया, कुछ ये आ रहा है सर? नहीं, ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं बताएंगे। 144 है तो इसका SDM साहब के यहाँ चलते रहता है, तो वो देख रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी पहले की खरीदी हुई जमीन है। अच्छा, और सर आरोप हत्याकांड